एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे. जिस वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ आप थंबनेल से पहचान गए होंगे. तो मैंने काफी वीडियोस इन सब चीजों पे काफी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ आपके लिए, आपको अवेयर करने के लिए, आपको उसके नुकसान बताने के लिए, फायदे बताने के लिए. फायदे तो आई थिंक कुछ भी नहीं होते इन सब चीजों के, क्योंकि जो चीज गलत होती है सो गलत होती है, और नुकसान बताने के लिए. तो मैं काफी मैंने दिए पे और स्लेट पेंसिल इन सब पे वीडियोस बनाई हुई हैं, तो मुझे उस पे अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, बहुत लोगों के कमेंट्स भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लाने के लिए मुझे काफी अच्छा लग रहा है. और मैं पूरी कोशिश करती जा रही हूँ कि अगर कुछ और अच्छा, कुछ और बेहतर कुछ मुझे पता चलता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. पर मेरा कोई मकसद नहीं था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, क्योंकि जब मुझे लगा कि हाँ ठीक है, इतना कुछ मैंने बताया है तो ठीक है, इतना ही इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मेरा कोई मतलब नहीं था, ना ही मेरा मन था. पर यहाँ इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा ये था, क्योंकि एक्चुअली कल मेरी फ्रेंड से बात हुई थी. मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है और अभी तक हम कनेक्ट हैं, तो मेरी उससे बात हो रही थी. तो वो मेरी वीडियोस काफी देखती है और हमेशा जो भी उसको वीडियोस में लगता है वो मेरे से बातें करती है. तो एक्चुअली वो मुझसे अपनी थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम बताना चाह रही थी. उसका नाम रंजना है, और आई थिंक उसे आज अच्छा लगेगा कि मैंने उसका नाम लिया. तो उसका नाम रंजना है और मेरी वो चाइल्डहुड फ्रेंड है और काफी अच्छी हमारी दोस्ती है. तो कल मैं उससे बात ही कर रही थी, तो मुझे उसके उसने मुझे बताया था, यार सच में बता कि ये सब चीजें लोग बाग खाते हैं, कि जो स्लेट पेंसिल तो समझ में आता है, पर ये जो मिट्टी के ये पॉट वगैरह होते हैं, क्ले पॉट जो होते हैं, ये सब खाते हैं. मैंने कहा खाते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ खाते हैं, कुछ प्रेगनेंसी के टाइम पे खाते हैं, कुछ वैसे ही किसी को हैबिट लगी हुई होती है खाते हैं. तो फिर उसने मुझे बताया कि मेरे को भी बहुत तलब लगती थी प्रेगनेंसी में, इवन उसको प्रेगनेंसी में नहीं, उसको वैसे ही तलब लगती थी, और कहती है मुझे कुछ दिनों से अभी भी बहुत ज्यादा तलब लग रही है. और उसे क्या खाने की तलब लग रही है, मतलब मैंने जब उसको सुना ना, मैंने कहा सही में तू पागल हो गई है. मैंने उसको यही कहा, उसको खाने की जो तलब लग रही थी मैं आपको दिखाती हूं वन मिनट. उसको जो खाने की तलब लग रही थी वो इनकी थी, इनकी मुल्तानी मिट्टी की तलब लग रही है. एक्चुअली वो जहां रहती है उसे मिल नहीं रहा है मुल्तानी मिट्टी, मतलब मैं तो शुक्र हूं कि उसे ना मिले. तो उसे इस चीज की तलब लग रही थी, तो वो कहती मेरे पास मुल्तानी पाउडर है, पर उसमें वो मजा नहीं आ रहा जो इसे खाने में आएगा. तो मैंने कहा तू सही में पागल है क्या, तेरे को समझ नहीं आती ये चीजें क्या है? तो कह रही नहीं यार, मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से है ना एक इच्छा सी हो रही है कि इसे खा लूं. तो फिर मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कमी आ रही है, मतलब क्या है? तो और जब पहले तो खाती थी और छोड़ दिया था, तब क्या कमी आई थी और क्या हुआ था, मैंने उससे पूछा. तो उसने मुझे बताया कि है ना, ये मुझे कैल्शियम के कारण मुझे इसकी तलब लगती है, कि जब डॉक्टर ने भी उसको बताया कि जब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब हमें मिट्टी, चौक, ये सब खाने की तलब लगती है. स्पेशली मतलब ये हमारे बॉडी में आयरन और कैल्शियम की कमी होती है उसके लिए. तो उसने फिर मैंने उससे पूछा कि मतलब फिर किस तरीके से उस टाइम तक छूटा ये तेरा, और फिर दोबारा क्यों? फिर उसने मुझे बताया कि मैंने कैल्शियम के इंजेक्शन लगवाए थे, डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाए थे, शायद अब उसका असर काफी टाइम हो गया, कह रही मैंने मतलब काफी टाइम हो गया उसको कि इंजेक्शन लगाए थे, और जब से तो मेरी कोई इच्छा नहीं होती थी, पर अब फिर मेरे को इनको खाने की इच्छा होने लग गई है. तो मैंने कहा कि जाओ दोबारा इंजेक्शन लगाओ, नहीं तो कैल्शियम की दवाइयां लो. तो बस उसको ये हो रहा है कि नहीं अभी तो नहीं जाना, पर एक बार खा लू. तो वो मुझसे कल कह रही थी कि मुझे मुल्तानी मिट्टी खाने का बड़ा मन कर रहा है, और मुझे है ना बस मिल नहीं रही है. तो मैं तो बस यही प्रे करूंगी कि उसे ना मिले ये चीजें बिल्कुल भी, मतलब हाँ ये बहुत, ये जो चीजें होती है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं, शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं. आप जानते हैं मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत ही अच्छी चीज होती है, वो हमारे फेस के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छी होती है. आप फेस पैक बना सकते हैं बहुत सारे तरीके, जो आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. आप उनसे हेयर वॉश कर सकते हैं, हेयर मास्क बना सकते हैं, जिससे वो आपकी हेयर की भी प्रॉब्लम सॉल्व करती है.
हाँ इवन तो मुल्तानी मिट्टी ये कहते हैं ठंडक भी देती है, जैसे सर वगैरह पे लगा ले, मतलब इंटरनल चीजें पे, जैसे गर्मियों में गमोरियां हो जाती है तो लेप लगा दिया जाता है तो उनको ठीक हो जाती है। तो बेस्ट यूजेस उसके ये होते हैं, ना कि इसको इंटरनली हम अंदर इसको मतलब ले लें तो ये इसके नहीं है, इसमें कहीं नहीं लिखा होता कि मुल्तानी मिट्टी हम खा सकते हैं। आजकल तो ब्रांडेड आने लगी है मुल्तानी मिट्टियां भी, तो पर कहीं भी किसी भी पैक पे ये नहीं लिखा होता कि अगर आप इसे खा लेंगे तो आपको ऐसा हो जाएगा। नहीं, ये सिर्फ अंदरूनी एक तलब होती है, जो कि आप प्लीज, जिनको भी ऐसा कुछ होता है, मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए हैं और के उनको ये खाने का बड़ा मन करता है और स्लेट पेंसिल खाने का मन करता है। एक प्रेग्नेंट है, मेरे पे कमेंट आया था, एक प्रेग्नेंट है और उनका बड़ा मन कर रहा है ये सब खाने का, और पर वो जानती है कि मुझे नहीं खाना है, पर अंदर से उनको इच्छा हो रही है। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि प्लीज, जिन जिनको ये इच्छा हो रही है तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनको बताएं अपनी प्रॉब्लम बताएं, तो वो शायद आपको कैल्शियम के आयरन की गोलियां देंगे। आप बिल्कुल भी ऐसे खाना बिल्कुल भी शुरू ना कर दें, और जो खाते हैं उनको मैं कहूंगी कि आप उनको छोड़ना शुरू कर दो। आपको मैं बीमारियां बता चुकी हूं कि कितनी बीमारियां होती हैं, कैसे होती हैं, तो आप ये चीजें समझे कि आपके लिए कितनी नुकसानदेह है। अपनी जिंदगी से कोई भी खिलवाड़ ना, और हमेशा अगर जो जो भी ये चीजें खाते हैं उनको धीरे धीरे कम करें। अगर आप पूरे दिन में 4 स्लेट पेंसिल्स या मुल्तानी मिट्टी, इतना बड़ा इतना या कितना भी, जितना आप अपने पहले मेजर करें कि आपकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, आपकी क्वांटिटी कितनी, आप कितना खा लेती हैं। जैसे मतलब अगर आप स्लेट पेंसिल की बात कर रहे हैं तो आप मतलब 3 खाती है 4 खाती है पूरे दिन में, ये दे मुल्तानी मिट्टी खाती है तो आप इतना बड़ा टुकड़ा खाती हैं, इतना खाती हैं या छोटा सा ही खाती है, ये आप मेजर करें। फिर उसको आधा आधा करती जाए कि अगर आज आप इतना खाती हैं तो उसको इतना कर दें, और कोशिश करें कि नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही खाना है। कहते हैं ना, कोई भी काम करने से पहले हमें अपने अंदर के गट पावर को स्ट्रांग करना होता है, हमें अंदर से अपने आप को स्ट्रांग करना होता है कि हमें ये चीजें करनी है। अगर आप अपने शरीर को अच्छा करना चाहते हैं और बीमारियों से बचना चाहते हैं और इन सब चीजों को इंटैक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो प्लीज अपने आप को स्ट्रांग करें और बोल अपने ही मन को बोले कि नहीं, आज मुझे सिर्फ इतना ही खाना है। आप 2 दिन 3 दिन तक इस पे कंटिन्यू रहेंगे, फिर कंटिन्यू होने के बाद उसको भी आधा कर दे, फिर 2-3 दिन आपको लगेगा, जैसे जैसे आपको ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे। हाँ मैं ये कहती हूँ, एक दिन में कोई नहीं छोड़ सकता, मुझे भी टाइम लगा था छोड़ने में, इवन मैंने बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग बनाया था इस चीज को, क्योंकि मैं अपने अंदर से ही उस चीजों को कहती रहती थी, नो 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 नो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बस मैं अपने मन में यही कहती रहती थी कि ये मुझे नुकसान करेगा आगे जाके। हो जाता है, इच्छाएं होती है जब हम खाना शुरू कर देते हैं, फिर वो छूटना मुश्किल हो जाती है। तो धीरे 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 जब वो आपका इतना हिस्सा हो जाएगा ना, तो आप धीरे धीरे उसको भी अवॉइड करना शुरू कर देंगे, और बस अपने मन को इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लीजिए थोड़ा बहुत। जैसे मतलब आपको कुछ चबाने की आदत लग रही है तो आप च्युइंगम वगैरह चबा सकती हैं, होता है, शायद कोई मजाक लेगा पर मैं एक बात कह दूं कि जैसे सिगरेट को छोड़ने के लिए एक च्युइंगम आती है ना, आई थिंक नाम मुझे याद नहीं है, ऐसे ही वो अल्टरनेटिव है कि मतलब उस टाइम पे ऐसा लगता है हमारा मुंह चलना चाहिए, तो जैसे ही हम वो खाते हैं ना, ये सब खाते हैं, मिट्टी वगैरह खाते हैं, तो हमें ऐसा लगता मुंह चलना चाहिए, मुंह चलना चाहिए ना, तो आप च्युइंगम वगैरह ले सकते हैं, जरूरी नहीं है मीठी, वो विक्स वगैरह टाइप की या कुछ इस तरीके की आप ले सकते हैं और उसको खा सकते हैं। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको बस मैं आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी, इन सब चीजों से दूरी बनाए रखें, अपने आप को स्ट्रांग करें और ये सब चीजें छोड़ दें। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेकर आऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों के ही कमेंट से रिलेटेड, आप लोगों की कि जो भी कमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करूंगी, जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई थी मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तो तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।